उसमें एक प्रकार का स्मेल आता है। इस कैंसर कौन सा होगा देखना शुरू करें, एलपीजी गैस में जो स्मेल आता है अगर वो गैस लीक कर रहा है तो वो स्मेल किसकी वजह से होता है, इथाइल बेंजोइट, इथाइल मर्केप्टेन, मर्केप्टेन है, मर्केप्टेन पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट या इनमें से कोई नहीं, किस वजह से आता है। चलिए आपका आंसर आना शुरू हो गया फटाफट, मैक्सिमम लोग आंसर बी कर रहे हैं, इथाइल मर्केप्टेन। तो इथाइल मर्केप्टेन आप लोगों का आंसर आ रहा है, तो सही आंसर भी वही है जो आप लोग बना रहे हैं, इथाइल मर्केप्टेन। इथाइल मर्केप्टेन की वजह से ही एक विशेष गंध आती है। नेक्स्ट देखते हैं मिर्च की तीक्ष्णता। मिर्च में जब हम लोग खाते हैं तो बड़ा झाल होता है, बहुत तीखा होता है मिर्च, ठीक है, पानी तो पीना ही पड़ता है मिर्च खाने के बाद। तो मिर्च में वो जो तीखापन है, वो जो तीक्ष्णता है, वो किस वजह से, कैप्सेसिन है, सैक्रोमाइसिन, ग्राफीन या क्रिप्टॉन, किस वजह से वो तीखा बनाता है मिर्च में। आंसर आ रहा है, कई लोगों ने ए लिखा है, बी ए बी ए, अधिकांश का आंसर ए आ रहा है, बिल्कुल सही है, इसका आंसर जो है वो क्या है, ए है। तो कैप्सेसिन के कारण, कैप्सेसिन के कारण इसमें तीखापन आता है मिर्च में। नेक्स्ट देखते हैं एक गिलास पानी पीने से कितना कैलोरी मिलता है, एक गिलास पानी पीने से हमें कितना कैलोरी प्राप्ति होती है, 10, 20, 0, 100, कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है पानी पीने से, ठीक है। तो देखना शुरू करें, सर आपसे कांटेक्ट करना है, मैसेज कीजिए तो कांटेक्ट होगा। तो आपका कई लोगों का आंसर आ रहा है बी बी, 0 भी आ रहा है, 10 भी आ रहा है, 20 भी आ रहा है, पानी पीने से कैलोरी पानी पीने से कैलोरी कहाँ मिलता है, तो पानी पीने से कोई भी कैलोरी की प्राप्ति आपको नहीं होगी, है ना, तो आंसर हो जाएगा क्या, 0, पानी पीने से कोई कैलोरी नहीं मिलता है। तो 3 का आंसर हो जाएगा सी, 3 का क्या आंसर हो जाएगा, सी, 0, कोई कैलोरी। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलिए, मोती पर्ल एक मोलस्क के मृदु उत्तक सॉफ्ट टिश्यू से उत्पन्न होने वाला एक हार्ड सब्सटेंस, तो जो पर्ल है उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, मोलस्क का जो सॉफ्ट टिश्यू है ये उत्तक, कृत्रिम खा गया उत्तक में उत्पन्न होने वाले कठोर पदार्थ, कौन सा पदार्थ जो है वो मोती के लिए मुख्य घटक, मेन कॉम्पोनेंट ऑफ पर्ल इज, कौन सा मेन है। तो मोती में क्या होता है, पर्ल में क्या नहीं बताना है, कैल्शियम ऑक्सीडेट, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, मोती में क्या होता है, पर्ल में क्या होता है। बहुत अच्छा आपका आंसर आ रहा है, अधिकांश लोग बी कर रहे हैं, ए बी में ही टीम घूम रही है हमारी डीएसपी की पाठशाला की। सर पर्सनल सजेशन चाहिए मैसेज करें, आप जिनको पर्सनल सजेशन चाहिए मुझे मैसेज कर, ठीक है वेणु जी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, जो पर्ल है मोती है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। नेक्स्ट, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाता है, कस के मारते हैं, चाहे कालीन हो, चाहे सोफा हो, चाहे कपड़ा हो, हाथ से भी कस के मारते हैं, डंडा से मारते हैं, उसमें डस्ट बाहर निकलता है, तो यह कौन से गति का कौन सा नियम है, न्यूटन के गति का कौन सा लॉ है। तो ये तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आप लोग आसानी से बना सकते हैं, टेलीग्राम पर मैसेज करें किसी कारण या फिर किसी ग्रुप। तो कालीन बताइए, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, संवेग संरक्षण का सिद्धांत, मोमेंटम कंजर्वेशन थ्योरी, ठीक है। तो बड़ा मुश्किल नहीं है, क्योंकि फर्स्ट न्यूटन लॉ ऑफ मोशन जो है उसे क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्सिया, जड़त्व का नियम भी कहते हैं, जो वस्तु जैसे है वैसे ही रहना चाहती है जब तक उसको हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं, ठीक है। तो जड़त्व के नियम, तो किस गति के किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्सिया, जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए प्रथम हो जाएगा, है ना, फर्स्ट, उम्मीद है बहुत लोगों ने बना लिया होगा, ठीक है, वेरी गुड, मैक्सिमम कैसा आ रहा है ए, बहुत अच्छा।
प्रथम नियम होगा। क्या बात, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, कोहरा कुहासा जब फॉग छाया जाता है, मिस्ट छाया रहता है, खासकर दिल्ली उल्ली में जब पोल्यूशन बहुत होता है, तो जब आंखों में वो जलता है, जलन उत्पन्न करता है। तो आंखों में जलन उत्पन्न क्यों होता है वो आपको बताना है। यहां पर देखिए ए और सी का एक ही ऑप्शन हो गया है, उसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा। इसको जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड कर लीजिएगा। तो पहला हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन। आंखों में जलन किस वजह से होता है? दोबारा बोल रहा हूं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड मीथेन, ये चार ऑप्शन आपके सामने है। आपका आंसर आ रहा है सी बी सी ए, मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, ए सी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, सबको पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कल तो काफी विद्यार्थी थे, उम्मीद करता हूँ आज भी संख्या बढ़ेगी। जो लोग अभी तक जुड़े नहीं है, जुड़े उनको लिंक जरूर भेज दें। नो नहीं है सर, टेलीग्राम में आप सर्च कर लो डीएससी की पाठशाला, तो आपको मिल जाएगा। मैंने आज इसका पीडीएफ भी डाल दिया, ठीक है? तो पीडीएफ भी सभी ग्रुप में मैंने डाल दिया है। आज का भी जो टेस्ट होगा उसका पीडीएफ मैं टेस्ट के तुरंत बाद पीडीएफ भी डाल दूंगा। उसमें आंसर नहीं है, आंसर के लिए वीडियो से संपर्क करें, वीडियो देखें आप। तो पीडीएफ भी डाला हुआ है, क्लियर है सभी का? हेल्प हो रहा है पीडीएफ डालने से, ठीक रहेगा पीडीएफ डालने से। प्लस हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है पीडीएफ का, और आप वीडियो में जाएंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन, ठीक है? जय हिंद सर। साइंस को कैसे पढ़े सर? ठीक, एक बार बना ले हम लोग, फिर बताता हूँ साइंस पढ़ना कैसे। इसका आंसर होगा सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड के कारण ही हमारे आंखों में जलन उत्पन्न होता है। नेक्स्ट, मैं इसको एक्सप्लेन बहुत नहीं कर रहा अभी। के ए सी एवं ई कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? हमें इम्यूनिटी प्रदान करता है ना? तो इम्यूनिटी प्रतिरक्षा, बॉडी को कौन प्रोटेक्ट करने वाला विटामिन है? के ए सी ई में के है, ए है, ई है, सी है। कौन सा विटामिन प्रोटेक्ट करता है बॉडी को? तो विटामिन ए, अलग अलग आंसर आ रहा है सी ए सी ए। तो आंसर होगा क्या? तो विटामिन ए जो है वो हमें बॉडी को प्रोटेक्ट भी करता है। नेक्स्ट, अगला देखिए हम लोग, जो ऑपरेशन होता है सर्जिकल ऑपरेशन, सर्जरी ऑपरेशन में एनेस्थीसिया के रूप में, एनेस्थेटिक जो एजेंट होता है एनेस्थीसिया के रूप में क्या नहीं दिया जाता है? किसका इस्तेमाल बेहोश करने में, एनेस्थीसिया में नहीं किया जाता है? एनेस्थीसिया मतलब बेहोश करने में या शून्य करने में किसका इस्तेमाल नहीं होता है? नाइट्रस ऑक्साइड, एसीटोन, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म है ना, क्लोरोफॉर्म कर लीजिएगा, क्लोरोफॉर्म, ईथर, नाइट्रस ऑक्साइड, एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, ईथर, इसमें से किसका इस्तेमाल नहीं होता? प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज्यादा है, व्यवहारिक क्वेश्चन मैं ज्यादा लेकर आया हूं, जो दैनिक जीवन में इस्तेमाल हो रहा है उसके बारे में ही चर्चा है, ठीक है? क्योंकि आजकल एग्जाम का मोड चेंज हो रहा है, वो ज्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है? लाफिंग गैस थोड़ी है, इसका इस्तेमाल होगा। तो नाइट्रस ऑक्साइड का इस्तेमाल नहीं होता है इसमें, एट का ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, नाइन नंबर, इनमें से कौन सदिश राशि नहीं है? विच फिजिकल क्वांटिटी इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी? इनमें से कौन सदिश राशि नहीं है, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करेंट, बल, आघूर्ण, टॉर्क। तो इनमें से कौन सदिश राशि का उदाहरण नहीं है? सदिश राशि मतलब इसमें दिशा भी हो, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों हो। इनमें से कौन है जो अदिश है, सदिश नहीं है? तो आंसर आपका आ रहा है ना, सही तो नहीं आ रहा है, कुछ ही का सही आ रहा है, बाकी का तो गड़बड़ हो रहा है। तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है। किसमें डायरेक्शन नहीं दिख रहा है? डिस्प्लेसमेंट में है, धारा में है, बल आघूर्ण में भी है, लेकिन फ्रीक्वेंसी में नहीं है। नौ का बी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाइन का बी है ना, बिफोर बिहार।
नाइन का भी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी तो एक मेजरमेंट है ना, उसमें डायरेक्शन का है। स्पिनर जब स्पिनर बॉल करता है, स्पिन करता है तो फ्लाइट देता है, जब फ्लाइट देता है उसकी बॉल ज्यादा घूमती है, या फास्ट बॉलर की जो बॉल होती है स्विंग करती है। ये बर्नौली ये किस नियम के तहत है? हॉफमैन नियम, एंडरसन हैंसल बैच इक्वेशन, फजान का रूल या बर्नौली रूल, किसके तहत ऐसा होता है? ठीक है, तो ये आपके स्पीड और प्रेशर के बीच का उल्टा रिलेशन है। P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V, तो P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V, वेग और दाब के बीच में विपरीत संबंध होता है, तो आपको बताना है। तो 10 का आंसर रहेगा बर्नौलीज लॉ, बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौली के नियम। आंधी तूफान चलेगा तो घर का छप्पर उड़ जाता है, दो स्टीमर जब चल रही है पानी में तो कहा जाता है एक दूसरे के नजदीक नहीं जाइए, टकरा जाइएगा। तेजी से ट्रेन गुजर रही है तो ट्रेन के बगल में प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को बोला जाता है कि थोड़ा दूर चले जाइए, नहीं तो भाई साहब ट्रेन जो है आपको खींच लेगी। तो ये सभी क्या है? बर्नौली लॉ, बर्नौली के नियम का उदाहरण है। दस का डी हो जाएगा। नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल्स है, क्योंकि आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल से पूछा जाता है। दो समतल दर्पण है, 45 डिग्री के कोण पर दो समतल दर्पण प्लेन मिरर को रखा गया है, और उसके बीच में कोई एक ऑब्जेक्ट है, आपको बताना है कि कितना इमेज बनेगा। ठीक है, तो कितना उसका प्रतिबिंब इमेज बनेगा, तो नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला आप याद करें उसमें पुट कर लें तो शायद आपका बन जाए कितना इमेज होगा। ठीक है, बहुत मुश्किल नहीं है, बनना चाहिए, बन रहा है। नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू, फॉर्मूला याद करें आप, देखिए मेरे टेस्ट में क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे अच्छे मिलेंगे। कल का भी टेस्ट हुआ था आपका, कई लोग कमेंट आया कि सर क्वेश्चंस बहुत बढ़िया था, आज भी क्वेश्चंस उसी तरह का है साइंस में। तो आंसर क्या हो जाएगा, 360 डिवाइड बाई थीटा माइनस वन, यही फॉर्मूला होता है, 360 डिग्री बटा थीटा मतलब एंगल माइनस वन, 360 बटा 45, 45, 45 को 360 से डिवाइड कीजिए कितना हो जाएगा, 8, 8 माइनस वन, 8 माइनस वन, वेरी गुड, 360 डिवाइड बाई 40 ओवरऑल माइनस वन, 8 माइनस वन कितना हो रहा है, सी 7, 11 का बी 7 हो जाएगा, है ना, 7, आंसर इज 7। साइंस विद इंग्लिश मीडियम में भी क्या किया कीजिए, सर लाया कीजिए, ठीक है, बट मैं बोल दे रहा हूं आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। जाली दस्तावेज जो फेक डॉक्यूमेंट होते हैं, जाली नोट जो फेक नोट होते हैं, उसकी पहचान, उसकी आइडेंटिटी, उसकी रिकॉग्निशन कैसे, किन कर किरणों के माध्यम से, किस रे के माध्यम से हम लोग पता कर सकते हैं कि वह नोट फेक है या वो डॉक्यूमेंट्स फेक है, उसमें कौन सा रे हेल्प करती है, कौन सी किरण हेल्प करती है? गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रा वायलेट, पराबैंगनी किरण, अल्ट्रा वायलेट रे, इंफ्रा रे, तो बार बोल रहा हूं, गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रा वायलेट रे एंड इंफ्रा रे, कौन सी किरण इसमें हेल्प करती है पहचानने में उसकी वर्णती है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आ रहा है आप सभी का, कई लोग कह रहे हैं सी डी, सी डी में फंस रहे हैं। अच्छा, कुछ कुछ मान वो ए भी बता रहे, ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, कौन सा रे होगा, कौन सा, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, अल्ट्रा वायलेट, परा बैगनी किरण, अल्ट्रा वायलेट रे की वजह से। एग्जाम कब होगा, क्योंकि अब तो जेएसएससी ने तैयारी कर लिया है, दोबारा वैकेंसी बहुत जल्द वापस आने वाली है, सर साइंस के बुक में ये सब क्वेश्चन क्यों नहीं मिलता है, कहाँ से साइंस की तैयारी करे, प्लीज रिप्लाई। अच्छा ठीक है, ये टेस्ट ले लेता हूँ फिर बताऊंगा साइंस के तरीके से। ठीक है, तो आंसर इज पराबैंगनी किरण, अल्ट्रा वायलेट। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड वाइफ है
कोई बच्चा नहीं हो रहा है तो हस्बैंड वाइफ ने एक बच्ची को गोद ले लिया, ठीक है, गोद ले लिया, तो उसके कुछ समय के बाद उनको जुड़वा बच्चा हो गया, तीन बेटे हो गए, तीन बच्चे हो गए, हस्बैंड वाइफ। तो हस्बैंड का जो ये ब्लड ग्रुप है वो है मान ले ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव। वाइफ का जो ब्लड ग्रुप है वह ओ निगेटिव, ए बी मतलब पॉजिटिव हो गया ओ निगेटिव। और तीनों में जो बच्चे हैं उसमें से एक लड़के का है ए पॉजिटिव, दूसरे लड़के का है बी पॉजिटिव और तीसरे बच्चे का है ओ पॉजिटिव। हस्बैंड वाइफ और तीनों बच्चों का हो गया। अभी बताना है कि ये तीनों बच्चों में से कौन वो बच्चा है जिसे गोद लिया था, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा। बड़ा सिंपल एक चार्ट है, उस चार्ट को जो समझता है जो जानता है वो बना सकता है, ठीक है, तो वो कर सकते हैं। तो पहला तो प्लस माइनस, प्लस प्लस है तो प्लस माइनस हो सकता है लड़का, प्लस माइनस है गार्जियन तो प्लस माइनस हो सकता है बच्चा, माइनस माइनस है तो माइनस होगा बच्चा। तो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा, मैक्सिमम लोग का आंसर आ रहा है ओ पॉजिटिव ओ पॉजिटिव ओ पॉजिटिव ओ पॉजिटिव, और लोगों का ओ 13 का सी ए पॉजिटिव भी आ रहा है। तो बच्चे का क्या होगा, चलिए वेट कर रहा हूं मैं, क्या होगा फटाफट बताएं। आंसर होगा ओ, बात सही है बिल्कुल, ओ तो होगा ब्लड ग्रुप लेकिन ओ नेगेटिव की पॉजिटिव, तो आंसर होगा ओ पॉजिटिव। इसमें आंसर क्या होगा ओ पॉजिटिव। उम्मीद करता हूं कि लगता है आपको जानकारी नहीं है, पूरा चार्ट की जानकारी होनी चाहिए कि कैसे क्रॉस ब्लड ग्रुप कैसे निकलता है, ठीक है। पीडीएफ डाल दिया कीजिए टेलीग्राम पे, डाल दिया है मैंने पीडीएफ टेलीग्राम पर, क्या सैफरॉन, ठीक है। नेक्स्ट, कुछ करंट अफेयर से साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ध्यान से देखें। इनमें से हाल ही में एक रिकॉर्ड बना, 200 सेकंड के लिए, 200 सेकंड के भीतर 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का अभी सक्सेसफुली टेस्ट किया गया। 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए। आपको बताना है कि परीक्षण जो है किसके द्वारा किया गया, एवियोट्रिक्स एरोस्पेस, थर्मोबैक एरोस्पेस, स्काई रूट एरोस्पेस, ई ए डी एस इंडिया लिमिटेड, किसके द्वारा यह शुरू किया गया, ठीक है। रिजल्ट हुआ, मुझे लगता है कब हुआ, 4 अप्रैल को हुआ, 3 दिन पहले हुआ है, तो 4 अप्रैल 2023 को ये हुआ है परीक्षण। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स का है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। तो 14 का आंसर होगा सी स्काई रूट, तो किसके द्वारा शुरू किया गया, स्काई रूट एयरोस्पेस ने इसको शुरू किया है, तो 14 का सी। आगे आ जाए 15, कॉमर्शियल प्रोडक्शन के लिए, व्यावसायिक उत्पादन के लिए प्रयुक्त होने वाला पहला ट्रांसजेनिक प्लांट कौन सा है। देखिए ट्रांसजेनिक प्लांट कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से पहला कौन है, कॉटन, टोमेटो, टोबैको एंड राइस, कौन है जिसका कॉमर्शियल प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांसजेनिक प्लांट है ना। तो सबसे पहला जो ट्रांसजेनिक प्लांट यूज किया वो कॉटन कपास किया गया, बीटी कपास के द्वारा ट्रांसजेनिक प्लांट का उत्पादन किया गया था, बट कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है वह है टोबैको तंबाकू, ठीक है, कॉमर्शियल के लिए बेचना खरीदना व्यापार करने के लिए आयात निर्यात करने के लिए ट्रांसजेनिक प्लांट टोबैको है जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। ऐसे बीटी कपास, बीटी कॉटन पहला ट्रांसजेनिक प्लांट था। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन कई बार आया एग्जामिनेशन में, यूपीएससी में आ चुका है। एथलीट फुट एक बीमारी है जिसके कारण होती है, एथलीट फुट बीमारी है किसकी वजह से होती है, क्या वो फंगस से होती है, क्या उड़ान उड़ना भी यहां पर कर लिए बैक्टीरिया, यहां बी पर कर लीजिएगा बैक्टीरिया, ठीक है। तो क्या ये कवक है, बैक्टीरिया है, वायरस है या विटामिन कमी से, फंगस, बैक्टीरिया, वायरस, इनसफिशियंस ऑफ विटामिन, किसकी वजह से।
एथलीट फूड एग्जाम में आ भी चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है किसकी वजह से होता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका ए कॉक, फंगस की वजह से। 16 का ए आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के सबसे नजदीक, द मोस्ट नियरेस्ट ऑब्जेक्ट, अर्थ का सबसे नियरेस्ट ऑब्जेक्ट कौन है, नियरेस्ट सबसे नजदीक में कौन सा कासी पिंड है? शुक्र, वेनस है, सन है, मून है और सैटर्न है, कौन है? वेनस है, सन है, मून है, सनी है, सबसे नजदीक कौन है? ट्रिकी क्वेश्चन है, इसलिए घबराना नहीं है, थोड़ा ट्रिकी है, उम्मीद करता है आप बना सकते हैं, बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा चंद्रमा, मून। क्या हो जाएगा? मून, चंद्रमा सबसे नजदीक है ना जी। वो सब नहीं कि सुबह का तारा है और ये सब कहते हैं, तो भी चंद्रमा से तो दूर ही है। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ या रसायन पौधों से प्राप्त होता है? कौन सा पदार्थ सब्सटेंस या केमिकल जो है वो प्लांट से पैदा होता है, प्लांट से उसका प्रोडक्शन होता है? इंसुलिन, कुनीन, क्लोरोमाइसेटिन एंड एस्पिरिन। इंसुलिन, कुनीन, क्लोरोमाइसेटिन और एस्पिरिन कौन प्लांट से पैदा होता है? आंसर आ रहा है आप लोगों का बी डी बी बी बी, मैक्सिमम का आंसर बी आ रहा है, बहुत अच्छी तैयारी चल रही है आपके, मैक्सिमम लोगों का आंसर बी और बिल्कुल सही है, आंसर बी ही सही है, कुनीन जो है वो पौधों से प्राप्त होता है। पानी का एक ग्लास, पानी एक ग्लास से बाहर नहीं गिरता जब यह एक उपग्रह के अंदर उल्टा होता है, किसी सैटेलाइट के भीतर एक वाटर ग्लास, ग्लास ऑफ वाटर जो है उसे उल्टा रखेंगे तो भी वो बाहर नहीं गिरता है, जबकि वह जो सैटेलाइट है वो पृथ्वी के बहुत नजदीक, पृथ्वी का चारों तरफ घूम रहा है, रोटेशन कर रहा है, किस वजह से ऐसा होता है, क्यों नहीं बाहर गिरता है? ठीक है, पृथ्वी पानी पर कोई बल नहीं लगाती है, पृथ्वी अर्थ के द्वारा उस वाटर पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होता है, पानी पर पृथ्वी का आकर्षण बल उपग्रहों द्वारा बनाए गए बल से बिल्कुल संतुलित होता है। ठीक है, पृथ्वी का जो अर्थ का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वाटर पर और सैटेलाइट का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दोनों बैलेंस होता है, पानी और कांच में गुरुत्वाकर्षण के कारण समान त्वरण उत्पन्न होता है, कांच और पानी के बीच में गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के आकर्षण, तो ये आपको बताना है किस वजह से होता है। थोड़ा सा मुझे लगता है टफ क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। सर कॉन्टेक्ट नंबर और मैसेज का ऑप्शन नहीं है टेलीग्राम पे, ग्रुप में नहीं होगा, ये प्रश्न कर लीजिए टेलीग्राम में सर्च करके। तो आपका आंसर आ रहा है 19 का क्या आ रहा है, तो मैक्सिमम लोगों ने 19 का बी किया है, डी किया है, डी है, बी इसका किस रूप में है। ठीक है, तो 19 का जो आंसर हो रहा है वह है सी, सी पानी और कांच में गुरुत्वाकर्षण कारण समान त्वरण उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 20 को देखें, ग्लूकोज किस रूप में होता है, तो हमारे शरीर में ग्लूकोज जो है, हमारा शरीर ग्लूकोज को किस रूप में संचित करता है, किडनी किस रूप में ग्लूकोज को लेता है, तो वो क्या है, तो वह है आपका ग्लाइकोजन। क्या है? ग्लाइकोजन है, क्या है? ग्लाइकोजन है, तो ग्लाइकोजन के रूप में ये पानी लेता है। खत्म हो गया ये 20 क्वेश्चन था, एक और क्वेश्चन एडिशनल है, आप बनाना चाहे तो बना सकते हैं। लोहे में जंग जो लगता है रस्ट होता है, आयरन में रस्ट क्यों होता है, उसके पीछे क्या वजह होता है?
1, 2, 3, 4 इनमें से कौन कौन होता है? देखिए क्या ये ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, ये पानी की कमी के कारण होता है, ऑक्सीजन के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण होता है, किस वजह से होता है? ऑक्सीडेशन, ठीक है, इनसफिशियंट वाटर, केमिकल रिएक्शन विद ऑक्सीजन, केमिकल रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड, कौन सही है इसको आपको बताना है। लोहे में जंग बहुत मुश्किल नहीं है, तो आसान क्वेश्चन बनना चाहिए आपसे। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसमें डी, क्या हो जाएगा, डी 1 और 3,